हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग खेलने वाले हैं फार क्राई क्रिमिनल, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक गेम है। तरह तरह के इस पे मॉन्स्टर भरे पड़े हैं, हमको सरवाइव भी करना है और आगे बढ़ते चलना है तरह तरह के मॉन्स्टर को मारते हुए। और हमारे पास कमाल की एबिलिटी है, जिसके कारण हम तरह तरह के जानवर को अपने वश में कर सकते हैं। और इस गेम में अपने को अपना ही जान बचानी है, तरह तरह के लोगों से लड़ना भी है और आगे बढ़ते चलना है। बेसिकली ये गेम आइस एज के जमाने की है। तो गाइस, आइस एज के जमाने में जो कुछ होता था, हम उसे एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस गेम में। तो चलते हैं फटाफट से गेम में। दोस्तों, जहां तक मुझे लग रहा कि ये हमारा कोई दोस्त है, हमारे साथ में है, और शायद से हम किसी का शिकार करने आए यहाँ पे। शायद इस हाथी का ही हमें शिकार करना है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा। और हाँ गाइस, शायद हम किसी का शिकार करने ही आए हैं, क्योंकि ये बंदा अपने साथियों को दूसरी तरफ से जाने का इशारा कर रहा। ओके गाइस, हमारा नाम टकार है, हमें पता चल चुका है, और शायद से ये हमें अपने पीछे आने के लिए बोल रहा। तो चलते हैं इसके पीछे। और गाइस, इस गेम की ग्राफिक्स कितने कमाल है, जबकि ये गेम 2016 का गेम है। अभी फिलहाल हम इसके पीछे ही चलते हैं। और गाइस, इस हाथी को देखो कितना बड़ा है गाइस, मैं कितने सारे हाथी है यहाँ पे। शायद से हमको इन्हीं में से किसी एक का शिकार करना है। ओके, वो बंदा हमें बुला रहा अपने पास में। ओके गाइस, ये बंदा बोल रहा कि हमें किसी छोटे हाथी को मारना है जिसे हम खा सकें। ओके, ये चलने के लिए बोल रहा है हमको, क्योंकि शायद से ये किसी छोटे हाथी को देख चुका है। और गाइस, यहाँ पे कितने बड़े बड़े मैमर थे गाइस। ओके, ये बंदा बोल रहा कि हम बहुत दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आए हैं, अगर हम लोगों ने खाना नहीं खाया तो हम मर जाएंगे। और गाइस, शायद से सामने ही है छोटा वाला मैमक जिसे हमें मारना है। और चलते हैं गाइस छोटे वाले मैमक को मारने। शायद से बंदे लोग मारना स्टार्ट भी कर चुके हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। और गाइस, मेरे बगल में किसी ने आग लगा दी है, मेरे बगल में आग लगी है, फटाफट से इसे बुझाना पड़ेगा। और चलते हैं गाइस, कोई पीछे तो नहीं आ रहा, चलते हैं आगे से। छोटा वाला मैमक है, उसको हमें किल करना है कुछ भी करके। और गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास भाला है और शायद ये ख़त्म भी हो जाएगा मारने पे। तो यहाँ पे और भी भाले पड़े हैं, तो मैं इसको वापस से आके ले जाऊँगा, पहले तो इसको मारते हैं गाइस। ओके, फिलहाल अपने पास एक भाला है, लेकिन मैं फिर भी एक भाला और उठा लेता हूँ। और गाइस, ये हाथी भागने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे पीछे चलते हैं हम लोग। हमारे साथी भी हमारे पीछे पीछे जा रहे हैं, तो इसको एक चीज़ मार देंगे अपन लोग, क्योंकि गेम का स्टार्टिंग है अभी। ओके गाइस, शायद से नीचे खाई है, तो हाथी यहाँ पे रुक चुका है, स्टॉप हो चुका है, इसको मारते हैं भाला से। और मेरे पास एक भाला है, और मार के देखते हैं, शायद से मर जाए। नहीं नहीं गाइस, मुझे और भाले चाहिए। ओके गाइस, नीचे शायद से एक भाला और बचा था, फटाफट से मैं उसको ले आता हूँ। ओके, ये रहा भाला, फटाफट से उठाते हैं, चलते हैं उसके पास। और गाइस, म्यूज़िक देख रहे हो आप लोग, कितना इंटेंस म्यूज़िक लगा रखा है भाई गेम वालों ने। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस हाथी को मेरे साथी लोग मार दिए होंगे अभी तक। और नहीं गाइस, शायद से अभी वो जिंदा है। चलो मारते हैं इसको, एक ही भाला है मेरे पास, शायद से मर जाए, करते थोड़ा मार देगा। ओके, एक भाला और है शायद अपने पास, करेंगे शायद से मर गया हाथी। और गाइस, ये बंदा अपनी तारीफ कर रहा। और गाइस, देख सकते हो कितना छोटा हाथी था, जो कि इतना बड़ा दिख रहा। अगर हम लोग बड़ा वाले को मारते तो कितना खतरनाक दिखता गाइस। तो कोई बात नहीं गाइस, फ्यूचर में हम लोग बड़े वाले हाथी को भी मारने वाले हैं, क्योंकि अभी तो गेम का स्टार्टिंग है। बट वेट, यहाँ पे गाइस शेर आ चुका है, वो सिर्फ सिर्फ सारे अटैक करने वाला। ओके, अपने साथी के ऊपर अटैक कर चुका है। ओ भाई, ओ भाई, गंदा मार रहा है। ओके, ये बंदा अपने को भागने के लिए बोल रहा पीछे शायद से। ओ
भाई साहब शायद से अटैक करने वाला है, करना पड़ेगा। ओ भाई साहब कितने तेज गिरे यार, कितने अपन लोग गिरते हुए चले जा रहे हैं, अभी भी गिर रहे हैं गाइस। ओ भाई साहब क्या तगड़ा एंट्रेंस था भाई गेम का। ओके हम शायद से बेहोश हो गए थे और अभी अपने को होश आया जैसा मुझे लग रहा। और शायद से सामने अपना एक साथी ही बचा है, बाकी सब शायद मर गए। मैं संचिता तकार, ओके ये बंदा हमें रुकने के लिए नहीं बोल रहा, आगे बढ़ते चलने के लिए बोल रहा, और बोल रहा कि हमारे खोए हुए एडवेंचर दोस्तों को खोजना है अपने को। और शायद से इसने हमें वेंजा प्रजाति का कोई निशानी दे दिया है, और शायद से अपना कैरेक्टर वेंजा प्रजाति का ही है। ओके शायद से हमने उसे दफना दिया है पत्थरों के बीच। और गाइस शायद से वो टाइगर जो आया था वो अभी भी हमारे क्लोज ही है। ओके गाइस यहाँ से हमारा मिशन अपने वेंजा दोस्तों को खोजना है, तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ओके हमारे पास नाइट विजन है जैसे मुझे लग रहा कि हम कुछ भी चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे किस चीज़ के काम आने वाले, जैसे कि और गेम में होता है। और शायद से जो येलोस कलर में दिख रहा हमें उसे हमें कलेक्ट करना है, शायद से हम इसे कुछ बना सकते हैं, क्राफ्ट कर सकते हैं। तो गाइस हमें सप्लाईज को कलेक्ट भी करना है रास्ते में चलते हुए। ओके तो गाइस मैं सारे सप्लाईज को कलेक्ट कर लेता हूँ चलते चलते, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। ओके गाइस मैं सारे सप्लाईज कलेक्ट कर लिया हूँ, अभी हमें बो बनाने के लिए, हमारा बो अनलॉक हो चुका है तो मैं बो बना रहा हूँ ताकि हम शिकार भी कर सकें और गाइस आने वाले इस जानवरों का सामना भी कर सकें। ओके गाइस हमने अपना बो बना लिया है, अभी अपन लोग को देखना है कि आसपास कुछ जानवर हो तो उसे मारना है ताकि हमारे पास कुछ खाने का हो सके। फिलहाल गाइस नाइट विजन से मुझे कुछ सप्लाईज दिख रही हैं, मैं इन सब को कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें एरो की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर मेन टाइम पे अपना एरो ख़त्म हो जाता है गाइस तो अपने को बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, इसलिए हम लोग पहले से सब सप्लाई को कलेक्ट करके रखते हैं। फिलहाल गाइस मुझे नाइट विजन से ना कोई एक जानवर दिखा है, शायद से हिरण है, तो चलते हैं इसको फिनिश करते हैं गाइस ताकि खाने का कुछ जुगाड़ हो सके। तो गाइस मुझे धीरे धीरे इसके पास जाना पड़ेगा, अगर इसने मुझे दूर से देख लिया तो ये भाग जाएगा, तो इसके क्लोज जाके इसको धीरे से मारते हैं अपन लोग। और सिट गाइस शायद से ना ये हम लोग को देख लिया जैसे मुझे लग रहा, देखने से पहले अपन लोग इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ओके एक अटैक पड़ा अच्छे से, शायद एक बार भी फिनिश हो गया गाइस क्योंकि हेड शॉट पड़ा था। और गाइस चलते हैं इसके पास में, शायद से अपने को कुछ मिल जाए जैसे कि दूसरे गेम में होता है। ओके कोई ऑप्शन तो नहीं आ रहा अभी तक, शायद से हम इसे खा नहीं सकते गाइस, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। शायद से गाइस अपन लोग को इसे क्लोज आने पे इसका मीट निकालने का ऑप्शन आता है। ओके गाइस शायद से ना ये मीट अपना खाने का ही काम आएगा ऐसा मुझे लग रहा। फिलहाल आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, शायद से और भी अपने को हिरण दिख सकते हैं, तो अपने को ऐसे 3-4 मारना पड़ेगा। ओके तो गाइस मैं नाइट विजन से देख रहा हूँ कि शायद से मुझे कोई और जानवर दिख सकता है आसपास। फिलहाल ये कुछ सप्लाईज है मैं इन सबको उठा लेता हूँ क्योंकि एरो के लिए लकड़ी तो चाहिए ही चाहिए गाइस। ओके गाइस फिलहाल अपने को ना एक और हिरण की तरह दिखने वाला जानवर दिख चुका है, इसके पास भी अपने को चुपचाप जाके मारना पड़ेगा एक बार में, क्योंकि अगर अपन लोग का एरो नहीं लगा तो ये भाग जाएगा। शायद तो पत्थर के पीछे है, चलते हैं चुपचाप पत्थर के पीछे तक।
ओके गाइस, फिलहाल तो इसका पिछवाड़ा दिख रहा है, पिछवाड़े पे नहीं अपने को हेड पे मारना है। ओके यहाँ से उसका हेड दिख रहा, हेड पे मारते हैं, एम करता हूँ। ओके गाइस पीछे और भी हैं, और गाइस शायद से उसको अच्छे से नहीं लगा और वो भाग गया, उसके साथी भी भाग गया वहाँ पे। ओके नाइट विजन से देखते हैं, शायद मर जाए वो। नहीं गाइस शायद से वो भाग चुका है, उसके जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे उसका ब्लड वगैरह गिरा है, तो शायद से आगे जाके मर सकता है वो। तो चलते हैं इस ब्लड का पीछा करते करते। फिलहाल गाइस मेरे पास ना अभी 5-6 एरो ही बचे हुए हैं, तो एरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सारे चीज़ों को उठाते हुए चलता हूँ। और शायद से गाइस हमने पहले जिसे मारा था वो गोट था, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं साइड स्क्रीन पे 3 ऐसे गोट्स को मारना है ताकि हमारे खाने का व्यवस्था कर सकें हम लोग। ओके गाइस फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। ओके गाइस देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने उस गोट को मारा था, गोट या फिर जो भी जानवर था वो यहाँ पे आके मर चुका है। मतलब एक बात कन्फर्म हो चुकी कि हम लोग जिसे मारेंगे एरो वो थोड़ी दूर में जाके मर जाएगा। तो हाँ गाइस ये एक अच्छी बात है। फिलहाल मैं इसका मीट उठा लेता हूँ और गाइस चलते हैं आगे की तरफ। अपने को एक और ऐसे मारना है किसी को। फिलहाल गाइस मैं आगे की तरफ आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक कोई तो जानवर है गाइस, और हमें एक और जानवर मिल चुका है, इसको भी मारते हैं अपन लोग। और गाइस से ना हमें चुपचाप से मारना पड़ेगा। ओ नहीं गाइस शायद से दूसरा वाला अपने को देख लिया और ये भी भाग गया है। फिलहाल चुपचाप से चलते हैं आगे क्योंकि और भी हो सकते हैं जो हमें ना देखे हों। और जैसा कि मैंने देखा कि 3 हैं यहाँ पे, 3 या 4 हैं जो कि हमें शायद से नहीं देखे हैं अभी तक। और गाइस इन तीनों में से किसी एक के ऊपर मैं शॉट लेता हूँ, ये वाला अच्छा लग रहा। ओके लगी शायद उसको एरो, 2 एरो मार दिया मैंने। अब गाइस देखना है कि शायद से वो आगे जाके मर जाए। फिलहाल मैं नाइट विजन का उपयोग कर रहा हूँ, देख सकते हो गाइस यहाँ पे कितना सारा ब्लड है, तो शायद से वो आगे जाके मरा होगा पहले वाले की तरह। तो गाइस चलते हैं आगे की साइड, देखते हैं शायद से वो मरा पड़ा हो कहीं पे। ओके तो गाइस यहाँ पे मरा पड़ा है और इसकी बॉडी मिल चुकी है। फटाफट मैं इसका मीट निकाल लेता हूँ। ओके तो गाइस नाइट होने वाली है, तो हमें फटाफट से कोई शेल्टर ढूंढना पड़ेगा। ओके हमें आगे जाने के लिए बोला जा रहा है, तो फटाफट चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या शायद से वहाँ पे कोई शेल्टर होगा। लेकिन फटाफट से मैं ये सब उठा लेता हूँ जो कुछ भी हमें सप्लाईज दिख रहे हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि शायद से वहाँ पे कोई शेल्टर होगा। ओके तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे एक पहाड़ जैसा कुछ है, तो ये जगह ठीक है शायद शेल्टर के लिए। ओके गाइस हम यहाँ पे अभी लकड़ी जलाने वाले हैं। ओके गाइस शायद से हमें एक एरो मिला है, और ये एरो हो सकता है कि कोई वेंजा प्रजाति का बंदा ही बनाया हुआ हो। ओके हमें ये रूट फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा कि शायद से वो बंदा यहीं से गया हो, और शायद हमें नाइट में ही जाना है, तो हमें कुछ बनाना पड़ेगा। फिलहाल गाइस क्लब नाम का कोई चीज अनलॉक हो चुका है, जिसको लेके मैं शायद से कैरी कर सकता हूँ अपने साथ नाइट के लिए। इस पे शायद से अपने मीट लगा रहा है बंदा, और इसको फायर करके अपने को शायद कैरी करना है अपने साथ, ताकि हम कुछ देख सके रात में। और हाँ गाइस हम इससे अटैक भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे आग के लिए क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। ओके तो हमें पीछे जाने के लिए बोल रहे हैं, शायद से कैंप फायर से हम आग लगाएंगे। और गाइस यहाँ पे कोई शेर का चित्र बनाया गया है, शायद से वही शेर है जो गेम की स्टार्टिंग में हमको मिला था। और फिलहाल गाइस हमारे क्लब में आग लगा लिया हूँ मैं, और चलते हैं आगे के साइड, शायद से हम शायद अब रात में देख सकते हैं अच्छे से। और ये जगह पर शायद आग लगाना है ताकि ये जल जाए और हम यहाँ से आगे जा पाएँ।
ओके गाइस, हमें नाइट विजन से किसी का पैर का फुट का निशान दिख रहा, तो हमें इसे फॉलो करना है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा। तो उसका फॉलो करते हुए हम चलते हैं आगे की तरफ। ओह शिट गाइस, आगे तो शेर है, शायद शेर हमारे आग को देख के भाग चुका है। ओके तो गाइस कोई बात नहीं, अपने को इस फुट को फॉलो करते हुए चलना है आगे की तरफ। तो चलते हैं आगे की तरफ इसको फॉलो करते हुए। ओके गाइस, फिलहाल तो मैं नीचे आ चुका हूँ, बट क्या करना है आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद से हमें इस रूट को ही फॉलो करना है, और सामने हमें जो कुछ भी सामान मिल रहा है उस सब चीज़ को उठाते हुए चलना है, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हमारे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा मसाल क्लब जो कि बहुत ज़्यादा जल चुका है, शायद से ये आगे चल के ख़त्म भी हो सकता है गाइस। तो हाँ, हमें इसका ध्यान रखना है। फिलहाल मैं कुछ कुछ सप्लाइज को उठाते हुए आगे चल रहा हूँ। ओके गाइस, हमें आगे की तरफ कुछ तो दिखाई दे रहा, पता नहीं वो क्या चीज़ है, चलते हैं आगे देखते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे एक भेड़िया है जो कि मरा पड़ा है, और शायद इसे किसी वेंजर ने ही मारा है गाइस। फिलहाल गाइस हम लोग सही जा रहे हैं, शायद से उस फुट का पीछा करते करते हम उस वेंजर प्रजाति के बंदे के पास पहुंचने वाले हैं। बट वेट, यहाँ पे कुछ वुल्फ की आवाज़ आ रही है गाइस, जो कि शायद चिल्ला रहे हैं, और गाइस शायद से हमें वो आगे मिलने ही वाले हैं, और हमें उनसे फाइट भी करना पड़ सकता है। तो मुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अचानक से अगर अटैक किए वो लोग तो शायद से हमारी मौत भी हो सकती है यहाँ पे। तो फिलहाल तो ये फुट आगे की तरफ ही जा रही है, तो मुझे आगे ही जाना है, और आगे शायद से वो वुल्फ खड़ा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो वुल्फ ही है। ओके गाइस, वो वुल्फ ही है, मुझे बचना पड़ेगा। फिलहाल गाइस मेरे पास फायर है जिसे लेके मैं चल रहा हूँ, तो शायद से वुल्फ इस फायर को देख के डरे, ऐसा रियल लाइफ में होता है तो शायद इस गेम में भी हो। ओके मेरे पास अटैक कर रहा है, उसको आग दिखाता हूँ। ओके ये डर चुका है, शायद से भाग गया वापस, देखते हैं नाइट विजन यूज़ करके। ओके वापस भाग गया है, इसका मतलब गाइस कि हमारे पास जो मसाल है, जो क्लब है जिसके ऊपर आग लगी पड़ी है, उसे देखकर ही वुल्फ डर रहे हैं। लेकिन गाइस अगर ये लोग बहुत सारे हुए तो मेरे ऊपर एक बार अटैक करने पे मैं इनका अटैक ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल तो ये आया मेरे पास और मैं इसे दिखाया तो डर के भाग गया है। ओके गाइस, हमारे पास में एक वुल्फ है, और शायद से यहाँ पे किसी को मार के खाए हैं लोग, जैसे कि देख सकते हो आप लोग हड्डी वड्डी करा है, और सिर्फ मेरे ऊपर अटैक कर दिया गाइस। दो दो वुल्फ मेरे पास एक बार अटैक कर दिया गाइस, मैप में दिख रहा। ओके तो ये जल चुका है। फिलहाल गाइस मेरे पास बो एंड एरो भी है, तो मैं उसका भी यूज़ कर सकता हूँ। बट वेट, कोई आ गया पीछे से गाइस, एक और भेड़िया आ चुका है, हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, और वो भी जल चुका है गाइस। फिलहाल अपने पास अभी भी जो मसाल है वो सिट गाइस, बुझ गया वो, और अपना हाथ भी जल चुका थोड़ा सा, बट इससे हम लोग अटैक कर सकते हैं। फिलहाल गाइस इसने मुझे गंदा मारा है, और गाइस फाइट करना ही पड़ेगा। ओके मैं भी मार सकता हूँ इससे। ओ भाई सिट सिट सिट, भागना पड़ेगा यार पीछे। ओके एरो निकाल के मारता हूँ, शायद से लग जस्ट यार इधर मेरे ऊपर चढ़ गया भाई साहब, बचना पड़ेगा इसके अटैक से। ओके फिलहाल मेरे पास एक और मसाल थी, मैंने उसको चला लिया है, और गाइस ये तो डर के भाग ही नहीं रहे यार, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे ही पीछे जाना पड़ेगा गाइस, जैसा मुझे लग रहा शायद से एक आध बचा होना चाहिए या फिर सब मर गए। फिलहाल चलते हैं आगे, और गाइस सामने ही एक भेड़िया मुझे दिख रहा। ओके मेरे पास आ रहा, बट मेरे पास आ गया तो देख के भाग भी रहा ये, और एक और है गाइस, बहुत सारे भेड़िया हैं जैसे मुझे लग रहा, और आना नहीं भाई मैं जला दूंगा। चलते हैं गाइस आगे, जो होगा देखा जाएगा। तीन चार भेड़िया तो मुझे दिख रहे हैं, सात से पाँच हैं, और ये वाला बंदा बहुत कूल है, इसको जलाना पड़ेगा गाइस। और फिलहाल मुझे पीछे भी देखते रहना है, क्योंकि पीछे से भी अटैक कर रहे हैं लोग, कुछ कुछ भेड़िया पीछे से भी आ रहे हैं। Yeah.
अभी ना गाइस मेरे पास बहुत कम ही एरो बचे हुए हैं, तो थोड़ा एरो मैं बचा रहा हूँ, वरना एरो से तो मैं उनको यू मार दूँ अगर ज़्यादा एरो होते मेरे पास तो। बट फिलहाल मेरे पास ये क्लब ही है जो कुछ भी है। और गाइस शायद से सीट मैंने घास पे ही आग लगा दी, मेरे ऊपर भी आग लग चुकी है। वो सीट यार अपने आप को हील ही करना पड़ेगा, शायद से मुझे आग बुझानी पड़ेगी गाइस, तो मेरे ऊपर आग लग चुकी है। और गाइस एक और प्रॉब्लम होने वाली है, अपनी जो क्लब है वो बुझने वाली है कि बहुत ज़्यादा जल चुकी है सीट यार, ये भी बुझ चुकी है। अपने को तो एरो की यूज करना पड़ेगा गाइस जैसा मुझे लग रहा। ओके यहाँ पे भेड़िया में इसके ऊपर अटैक लेता हूँ, शायद से लग जाए सीट यार। अपना एक एरो बर्बाद हो गया जैसा मुझे लग रहा गाइस। तो बाकी के सब कहाँ है पता नहीं, एक ही दिख रहा मुझे फिलहाल, तो इसके ऊपर अटैक करता हूँ। ओके लगी शायद से इसको एरो, आगे जाके मर जाएगा वो जैसे मुझे लग रहा। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे कोई भी भेड़िया नहीं दिख रहा मुझे, तो फटाफट से ना मैं आगे की तरफ चला जाता हूँ। ओके गाइस हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं फिर से इस फूट का पीछा करते हुए, क्योंकि हमें अपने दोस्तों वेंजा प्रजाति के लोगों को ढूंढना है। चलते हैं फटाफट से इस फूट का पीछा करते हुए। और गाइस शायद से ना अपने पास एक और क्लब बचा हुआ है, तो उसका यूज़ मैं ज़रूरत पड़ने पे करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और मेरे पास है नहीं क्लब। फिलहाल गाइस मैं कोई जगह पे तो आ चुका हूँ, कोई गुफा की तरह लग रहा, और आगे से अजीबोगरीब साउंड आ रहे हैं मेरे को। ये कुछ सामान है सब मैं उठा लेता हूँ, शायद से काम पड़ने वाले हैं आगे। ओके गाइस अभी ना मैं पूरा का पूरा नाइट विजन के ऊपर डिपेंड हूँ, और शायद से ना यहाँ पे किसी ने आग जलाया हुआ है पहले। फिलहाल ना गाइस वो वेंचर प्रजाति का बंदा आसपास ही है, तो गाइस हमें ना आगे बढ़ते रहना है। ओके तो आगे ना गाइस एक बहुत बड़ी नदी टाइप है, तो शायद से हमें उसे कूद कर उसे पार कर कर आगे जाना पड़ेगा। तो मैं कूद चुका हूँ नदी में, अब गाइस दिख तो नहीं रहा कुछ, लेकिन अपने पास नाइट विजन है, टेंशन वाली बात नहीं है कोई। और इसी रूट से गया है वो बंदा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फुट क्लियरली दिख रही है हमें, और आगे की तरफ ना पता नहीं कुछ तो है, और शायद से हमें इसी रूट से जाना है। और फिलहाल गाइस मैं ना ये क्लब जो अपने पास इकलौता बचा है इसका यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका यूज करके आगे जाना पड़ेगा अपने को। देखते हैं गाइस कितना आगे अपने को जाना है। और ओके गाइस फिलहाल ना हम आगे की तरफ आए हैं, और आगे कुछ साउंड वगैरह आ रहा है अपने को। फिलहाल तो ये दिख रहा है यहाँ पे किसी ने बना के रखा है, इसको हम लोग आग जला लेते हैं। शायद से जहाँ जहाँ हम लोग आग जलाएंगे वहाँ वहाँ अपना फास्ट ट्रेवल बन जाएगा, तो हम लोग को आग भी जलाते हुए चलना है गाइस। और कुछ चीज़ें भी मिल रही हैं, सारी चीज़ें कलेक्ट करके भी चलना है आगे। और हम लोग यहाँ ऊपर चढ़े हैं, तो गाइस मुझे दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पर से पानी गिर रहा, तो शायद से अपना जो क्लब है वो बुझ जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्लब को ना अंदर कर लेना चाहिए, ताकि क्योंकि अपने पास इकलौता क्लब बचा हुआ है, अपने को ऐसे जाना चाहिए। के गाइस यहाँ पे अपने को एक और लकड़ी का झुंड दिख रहा, इसको भी जला लेते हैं यहाँ पर लोग। पता नहीं शायद से अगर आगे अपने को शेर वगैरह मिला तो भागने में इजी होगा, क्योंकि अगर सब कुछ अपने को दिखता रहेगा तो अच्छा रहेगा। बट वेट यहाँ पे ना कुछ चूहे भी हैं, इसको हम लोग शायद से मार सकते हैं और उनका मांस भी कैरी कर सकते हैं। ओके पता नहीं इस गेम में क्या क्या करना पड़ेगा अपने को। जितने भी चूहे दिख रहे हैं मैं उनको भी मार देता हूँ यहाँ पर। फिलहाल तो अभी कोई चूहा नहीं दिख रहा, एक चूहा दिखा मैंने उसे मार दिया, और हमें नीचे से जाना है शायद आगे की तरफ। और सिट गाइस अपने पास जो मसाल है क्लब है शायद से बुझने वाला है, हमें कुछ आगे बढ़ते रहना है। फिलहाल एक चूहा यहाँ पे दिखा, मैंने उसे मार दिया, उसका भी मांस कैरी कर लेते हैं। और गाइस शायद से ना अपने को फिर से दोबारा पानी में कूदना पड़ेगा। ओके तो चलना है यहीं से,
शायद से ना वो बंदा यहीं से गया होगा, मुझे नाइट विजन यूज़ करके देखना पड़ेगा। ओके तो गाइज यहीं से गया है शायद से वो, और आगे की तरफ पानी है जैसे मुझे क्यों लग रहा, तो पानी पे अपने को कुछ जंप करके जाना पड़ेगा। ओके तो गाइस जैसा कि मैंने सोचा था वो बंदा यहीं से गया होगा पानी को क्रॉस करके, तो हमें भी पानी क्रॉस करके ही जाना है। तो गाइस चलते हैं फटाफट से पानी में। और गाइस फिलहाल तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, लेकिन हमको इसी रूट को फॉलो करना है क्योंकि हमें उसका फुट का निशान दिख रहा क्लियरली, तो हमें इसी रूट को फॉलो करते हुए आगे जाना है। और शायद से हमारी सांस फूल गई थी, मुझे ऊपर आना पड़ा और आगे की तरफ अपने को जाना है, तो फटाफट चलते हैं। सब क्लियर दिख रहा है अपने को। ओके गाइस हमें ना अपने आगे पीछे सब साइड देख के चलना है क्योंकि कहीं से भी अटैक कर सकता है कोई भी, तो हमें बच के भी रहना है किसी के अटैक से। फिलहाल तो हमें उधर जाना है, कोई दिख चुका है अपने को चलता हुआ, शायद वो अपना दोस्त भी हो सकता है और अपना दुश्मन भी हो सकता है, तो हमें देख के चलना है वहाँ तक। ओके गाइस हम लोग शायद से ऊपर आ चुके हैं और मुझे कुछ डेड बॉडीज दिख रहे हैं यहाँ पे, शायद से उस शेर ने इसे मारा है। और वेट गाइस कोई लड़की है यहाँ पे जो बंदों के कान काटे पड़ी है कब से, और सिर्फ उसने मुझे देख लिया गाइस शायद से। गाइस शायद से लड़की हमें डराना चाहती है, बट वेट पीछे कोई शेर की तरह दिखने वाला शैडो दिखा मुझे, शायद से वो शेर ही है गाइस। अरे भाई मुझे डराना छोड़ यार, पीछे तेरा शेर आ गया है। ओके सिट अपने मसाल उठा लिया शायद से, वो भाई सब शेर ने अटैक कर दिया गाइस। भाई शायद वो लड़की हमारी फ्रेंड है, उसको अपने को बचाना है। ओ भाई साहब शेर तो अपने ऊपर अटैक करने वाला है, शायद से अपन लोग को इससे बचना पड़ेगा। ओ भाई साहब क्या अटैक कर रहे यार ये शेर। और गाइस फिलहाल तो हम बच चुके हैं शेर के अटैक से, शायद ये अंदर नहीं आ सकता और हमें इस लड़की का पीछा करना है शायद से अब। ओके तो गाइस हम लोग ना गुफा से बाहर निकल चुके हैं। और गाइस शायद से ना कोई दूसरा एरिया अनलॉक हो चुका है, लैंड्स ऑफ ओरस। और गाइस शायद से ना ये लड़की हमें पहचान गई कि हम भी एक वेंजा हैं। और रोस भी भालू। और गाइस अपना कैरेक्टर टकार जो कि बता रहा कि मैं बहुत दूर से ट्रैवल करके यहाँ बस आया हूँ। साइला। और गाइस ये लड़की अपना नाम साइला बता रही मुझे, और टकार इससे पूछ रहा कि तुम टाइगर की गुफा में क्या करने गई थी, तो ये बता रही कि उद्दाम नाम की प्रजाति का किसी बंदे का बॉडी टाइगर लेके चला गया था, तो मैं उसके कान लेने गई थी। और गाइस टकार इससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ अकेले रहती हो। ओके गाइस ये लड़की बता रही कि इसके पास शेल्टर है और खाना भी है और हमें अपने साथ चलने के लिए बोल रही है, लेकिन टकार इसे पागल की तरह सोच रहा तो इसके पीछे नहीं जाना चाहता। ओके गाइस अभी अपना कैरेक्टर इसके पीछे जा रहा। और फिलहाल गाइस हम लोग इसके शेल्टर के पास आ चुके हैं। और ये लड़की हमें कुछ खाने के लिए दे रही है गाइस। और पता नहीं ये क्या चीज है, बीन्स की तरह दिख रहा, टगारी से खा लिया। क
और गाइस टैगार इससे पूछ रहा कि वेंजर प्रजाति के और भी लोग कहाँ हैं। और गाइस ये लड़की बता रही कि उद्दाम प्रजाति के लोग वेंजर प्रजाति के लोगों के पूरे घर को तबाह कर दिए हैं। और गाइस ये लड़की बता रही कि उद्दाम प्रजाति के लोग वेंजर प्रजाति के लोगों को बहुत लोगों को मार दिए हैं। और गाइस ये लड़की बता रही है कि वेंजर प्रजाति के लोग और उस जगह पे अकेले ही रहते हैं। और गाइस शायद से इस लड़की के ब्लड निकल रहा, जो टाइगर इसके ऊपर अटैक किया था शायद ये उससे घायल हो गई है। और फिलहाल गाइस टैगार इसको वादा कर रहा है कि इसकी हेल्प करेगा। और ये लड़की बोल रही कि कोई ग्रीन पत्ते हैं जिन्हें तुम्हें लाना है, बाहर की तरफ है वो। और फिलहाल गाइस हमारा कैरेक्टर निकल पड़ा है उस ग्रीन पत्तों की तलाश में। तो गाइस हमें अब यहाँ से आगे जाना है, उन ग्रीन पत्तों को खोजना है और इसके पास लाके इसका इलाज करना है। और गाइस हमें आसपास खतरे भी मिलेंगे तो उस खतरों का भी सामना करना है, लड़ना है जो भी जानवर दिखेगा आसपास, और हमें खाने पीने का और बाकी सब सप्लाइज भी इकट्ठा करते रहना है। और गाइस मैं अभी बहुत आगे आ चुका हूँ लेकिन मुझे वो ग्रीन पत्ते कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हमें उसको कैसे भी करके खोजना है जल्द से जल्द। और शायद से यहाँ पे कुछ ग्रैपलिंग करके उसे हम फ्यूचर में अनलॉक करेंगे, तो देखेंगे फ्यूचर में। फिलहाल तो अभी हमें यहीं से जंप करना पड़ेगा। चलते हैं गाइस नीचे की तरफ। ओके गाइस मैं अभी नाइट विज़न का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ना मुझे वो ग्रीन पत्ते कहीं भी नहीं दिख रहे हैं जो कि सायला ने हमें लाने के लिए कहे हैं। ओह शिट, कोई जानवर आ रहा है पास, मारते हैं इसको, शायद ही मर जाए तो हमें कुछ इससे बेनिफिट हो जाएगा। ओह शिट यार, शायद वो भाग गया गाइस, लेकिन एक उसका नहीं यहीं पर है, मारना पड़ेगा शायद उसको। एक एरो लगी है जहाँ इसका ब्लड देख सकते हो और यहाँ पर आके मरा है। गुड, बहुत सही, हम लोग इसका मीट ले लेते हैं। अभी तक गाइस मैं वो ग्रीन पत्ते ही खोज रहा हूँ बट मुझे कहीं पे नज़र नहीं आए हैं। बट वेट, आगे की तरफ ना कुछ जानवर भाग रहे हैं, शायद आगे खतरा है, तो हाँ गाइस हमें सेफ रहना है। फिलहाल मैं थोड़ी और आगे आ गया हूँ, मुझे कुछ टर्टल दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं इसको मार सकता हूँ? एरो मार के देखते हैं, शायद मर जाए। सिट यार, शायद वो अंदर चले गए, दोनों अंदर चले गए शायद, और हम लोग इसको कलेक्ट भी नहीं कर सकते गाइस, तो हाँ हम लोग टर्टल नहीं मार सकते शायद से। और यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर तो बने हुए हैं, शायद से वो ग्रीन पत्ते हमको यहीं आसपास ही मिलने वाले हैं शायद से, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ अभी भी नज़र नहीं आ रहा अपने को। चलते हैं थोड़ी सी और आगे, देखते हैं शायद से दिख जाए। ओके, हमने कोई नया एरिया डिस्कवर किया है शायद, या लोकेशन। ओके, ये लोकेशन शायद से अब अपना है, कोई बात नहीं, आसपास देख लेते हैं कोई है तो नहीं। ओ शिट यार, कहीं से कुछ आवाज़ तो आ रही है। ओ भाई, यहाँ तो जानवर वगैरह भाग रहे हैं आसपास। अभी तक तो हमें ग्रीन पत्ते नहीं दिखे, बट वेट, आगे जाने पे गाइस, थोड़ा सा आगे जाने पे हमें कुछ रेड रेड दिखने लगा है नाइट विजन से, शायद ये वही ग्रीन पत्ते हैं गाइस जिन्हें हमें सायला को ले जाके खिलाने हैं या फिर उसके जख्म पे लगाने हैं। और वेट, यहाँ पे कुछ भेड़िए एक बंदे से लड़ाई कर रहे हैं शायद से, वो बंदा शायद हमारा दोस्त भी हो सकता है और शायद से वो दुश्मन भी हो सकता है, तो गाइस हमको उसको क्लोज जाके देखना पड़ेगा कि वो बंदा जो फाइट कर रहा है क्या वो हमारा दोस्त है या फिर वो हमारा दुश्मन है। चलते हैं गाइस इसके पास में और हम लोग देख सकते हैं गाइस ये तो हमारे ऊपर बात नहीं कर रहा था। फिलहाल पता नहीं बंदा कौन है, हम भेड़िया को मारते हैं। और सिट यार, भेड़िया ने तो उसे मार दिया गाइस, और भेड़िया हमारे ऊपर भी अटैक कर रहा, उनको भेड़िया को फटाफट से मारना पड़ेगा कुछ भी करके। सिट यार, एरो ही नहीं लग रहा कब से मुझे, शायद दूसरे उससे ने ओके मार गया ये, लेकिन गाइस हमको थोड़ा बहुत डैमेज दे गया ये। फिलहाल गाइस मैं इसका मीट निकाल लेता हूँ, फ्यूचर में काम आएगा अपने।
ओके गाइस, शायद से जो बंदे मरे हैं ना ये हमारे दोस्त नहीं थे। पता नहीं इनका क्यों उठाने का ऑप्शन आ रहा है इनका बॉडी कैरी करने के लिए, पता नहीं ऐसा क्या है। ओके, तो मैंने इसका बॉडी उठा लिया है, पता नहीं इसको कहीं पे ले जाना है क्या। फिलहाल तो एक और बंदा है यहाँ पे जिसका पूरा फेस उड़ा पड़ा है, मैं उस बंदे को पटक दिया। और हमें एक और मिल चुका है ग्रीन लिप्स, तो अभी हमारे पास ना टोटल 2 ग्रीन लिप्स हो चुके हैं। अपने को चाहिए ऐसे 4 लिप्स, तो अपने को 2 और ढूंढना है। फिलहाल तो इस नदी के पीछे एक भेड़िया की तरह दिखने वाला जानवर है जिसके ऊपर अटैक करता हूँ गाइस फिलहाल। और सिर्फ सिर्फ यार कोई और भी आ गया मेरे पास अटैक करने, वो नहीं आ रही भेड़िया तो मेरे पीछे पड़ गए गाइस, अपने को इसको कैसे मारना पड़ेगा। फिलहाल गाइस ये लोग 3 हैं और मैं अकेला हूँ, तो मैं थोड़ा सा पीछे आ गया हूँ। बाकी ना इनको अकेले अकेले करके इनको लपेट लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। अपने पास एरो है, फिलहाल तो गाइस मैं भाग रहा हूँ, एरो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो पीछे आ गया हूँ। अब शायद मुझे इससे ही मारना पड़ेगा क्लब से अपने, मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ। अब एक एक करके इनको मारना चालू करता हूँ। ओके गाइस, साथ से ना मैं दोनों को लपेट लिया हूँ, दोनों मर चुके हैं। तो गाइस इन दोनों को मारने के बाद ना अभी ना अपने को पत्ते खोजना जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को साइला को बचाना है। फिलहाल मैं इसका मीट निकाल लेता हूँ, काम आएगा। और पता नहीं कहीं से कोई चील का आवाज़ तो आ रहा ऊपर, पता नहीं क्यों, और ये मेरे मैप में भी दिख रहा, और शायद से चील मेरे ऊपर अटैक भी कर सकते गाइस, तो बच के रहना पड़ेगा इनसे भी। ओके गाइस, फिलहाल मैं निकल चुका हूँ और आगे नदी क्रॉस करना पड़ेगा। शायद से सामने ना कुछ जानवर भी हैं, तो देखते हैं उनसे खतरा होगा तो उनको भी निपटा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, आसपास तो मुझे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं बट कोई दिख नहीं रहा। ओके, हमारे सामने एक मैमर्थ है और सामने कोई पिग जैसा दिखने वाला जानवर भी है, शायद से पिग ही है, तो इसको मार लेता हूँ मैं, शायद मर जाए। एक ब्लॉक में तो मरा नहीं, 2 बार में पक्का मर गया ये, तो ठीक है कोई बात नहीं। मैमर्थ को हम नहीं मारने वाले गाइस, क्या मारेंगे मैमर्थ को, बहुत बड़ा जानवर है यार। अभी अपने को ना पत्ते खोजना जारी रखना है गाइस, पत्ते खोजना मैं भूल जा रहा हूँ पता नहीं क्यों। गाइस अभी तो आसपास मैं पूरा देख लिया, लेकिन कहीं पे वो मेरे को ग्रीन पत्ते दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन खोजना अपने को जारी रखना है, शायद से गाइस नाइट विजन में दिख जाए। ओके वेट, यहाँ पे ना एक ग्रीन पत्ता दिखाई दिया मुझे, शायद से एक और भी है आगे में, अपन लोग इसको तोड़ लेते हैं पहले। ओके, अभी हमारे पास 3 हो चुके हैं, अपने को एक और चाहिए, एक ये रहा हमारे सामने है, इसको भी तोड़ लेते हैं। ओके, हम लोग इसको तोड़ ले, बट वेट गाइस, कोई अपने ऊपर अटैक कर दिया है, शायद से दूसरे प्रजाति के बंदे हैं, इनको अपने को मारना पड़ेगा गाइस, शायद से ना ये मेरे को मार सकता है, थोड़ा दूर बुला लेते हैं फिर इसको मारेंगे। भाई तो गुरिल्ला की तरह दौड़ रहा भाई, अरे भाई कहाँ ले यार, ऐसा लगा हाँ ये ले आओ। ओके गाइस, ये मर गया है, एक और बचा है, बट ओके उसके पास ना एरो वगैरह है, थोड़ा सा बच के रहना उससे, क्लोज जाके उसको मारते हैं इसी से, क्लब से अपने, क्लब अच्छा खासा डैमेज दे रहा है यार अपना। और ये लो बेटा, ओ भाई सब लग तो रहा है, लगी है ओके, ये भी मर चुका है गाइस, शायद इन लोगों के पास कुछ सामान हो, इनको देख लेते हैं। ओके, इनके पास कुछ तो सामान है, अपन लोग ने कलेक्ट कर लिया है, एक और बॉडी है उसको भी देख लेते हैं, उसके पास भी कुछ हो सकता है। और पता नहीं कहाँ पे आसपास तुम्हारा ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसको भी मैं उठा लेता हूँ गाइस, शायद से काम ही आने वाला है ये सब चीज़ें। और गाइस फिलहाल ना मेरे पास 4 हो चुके हैं ग्रीन पत्ते, तो मुझे जल्दी से जल्दी साइला के पास जाना है और उसका इलाज करना है। गाइस मुझे ना अपना बो एंड एरो निकाल के रखना है, कभी भी कोई अटैक कर सकता है अचानक से, तो हमें ना पहले से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि गाइस ये जो उद्यम प्रजाति के बंदे लोग हैं ये लोग ना घास के पीछे ऐसे चुप के लुके रहते हैं और अचानक से अटैक करते हैं गाइस, तो हमें ना पहले से प्रिपेयर रहना है इन लोगों के लिए। और फिलहाल गाइस हमें कहाँ पर जाना है, कितना दूर जाना है समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा है गाइस पीछे से।
कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना है। देखते हैं आगे कौन सा रास्ता है जिससे हम लोग साइला के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन वेट, यहाँ पे ना कोई बंदा मुझे दिखाई दिया जैसे मुझे लगा। ओके बंदा, इसको हम लोग चुपचाप से मार देते हैं। और गाइस दो बंदे और हैं आगे में, मैं देख सकता हूँ क्लियरली, तो हमें ना इसे चुपचाप से मारना है। बट वेट, शायद से ना ये लोग मुझे देख चुके हैं गाइस। ओके मुझे ना अपना एरो छोड़ के वो निकालना पड़ेगा, अपना क्लब जैसे मुझे लग रहा है। ओके एरो से मार दिया बंदा, एक और मर जा। ओके क्लब निकाल लिया मैं, फिर उनका इसी से मारूंगा। पड़ी है गाइस उसको अच्छे से, शायद से वो मर भी गया। इनको भी चेक कर लेते हैं, इनके पास भी कोई सामान वगैरह हो सकता है। ओके मैंने इनका पूरा सामान वगैरह सब ले लिया है, लूट लिया है। वेट एक और है, इसको भी लूट लेते हैं। फिर फटाफट से चलते हैं गाइस अपन लोग साइला के पास, उसका इलाज वगैरह करेंगे वहाँ। पता नहीं वो अरे पहाड़ पे ना कुछ एक्स का निशान दे रहा, शायद से ना फ्यूचर में हम लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं, या फिर कुछ तो है वो जिसे हमें ना अनलॉक करना है, ताकि ना हम ना जल्दी जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे शायद से। मुझे भी फिलहाल समझ नहीं आ रहा, तो अपन लोग ना शॉर्टकट रास्ता देखते हैं कहीं पे, शायद से दिख जाए जल्दी जाने का। ओके ये वाला रास्ता सही लग रहा मुझे। ओके गाइस शायद हम लोग ना पहुंच चुके हैं साइला के पास, अब फटाफट से ना इसका इलाज करते हैं। साइला जी वरना ये शाजा तनी चलाउता। और गाइस ये साइला बोल रही, कुछ आवाजें आ रही हैं, तुम्हें सुनाई दे रहा क्या? तनी और ये ग्रीन पत्ते जो भी मैं लाया था उसको चबा के बोल रही है कि पीछे मेरा लगाओ इसे। ओके गाइस शायद साइला बच चुकी है। और गाइस अपना टकार जो बोल रहा कि मुझे अब आगे जाना चाहिए, उरोस को खोजना चाहिए। ओके साइला हमें आगे बता रही है कि आगे बहुत सारे खतरे हैं, भालू वगैरह, टाइगर वगैरह कुछ भी दिख सकते हैं तुम्हें, उद्यम प्रजाति के बंदे भी दिख सकते हैं। तुम्हें सेफ रहना है और तुम्हें एक गुफा खोजना है जहाँ पे कोई बंदा मिलेगा तुम्हें जो तुम्हारी मदद करेगा। ओके तो गाइज हमारा पार्ट वन यहीं तक था। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके जल्दी पार्ट टू मैं लेके आऊँ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एम करते हैं 10 लाइक का। और गाइज पार्ट वन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना आप। और अगर आप लोगों को पार्ट टू चाहिए तो कमेंट में पार्ट टू भी लिख देना गाइज। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।